नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं SBP ग्लोबल टेक्सटाइल्स लिमिटेड शेयर के बारे में। इस शेयर में पिछले काफ़ी समय से हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है और आज भी आप देख सकते हैं शेयर में 15.26% की गिरावट देखने को मिली। इस शेयर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कि शेयर में गिरावट का क्या रीज़न है और हमें अभी क्या करना चाहिए, बाय सेल और होल्ड। तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करेंगे, इसके रीज़न की जानने की कोशिश करेंगे और आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस शेयर के बारे में इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो में हम शेयर का पूरा एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। यहाँ से आप देख सकते हैं शेयर में आज हमें 15.26% की गिरावट देखने को मिली है और एक मंथ की हम बात करें तो देख सकते हैं शेयर ने 39.40% के रिटर्न यहाँ से प्रोवाइड कराए नेगेटिव में और मैक्सिमम चार्ट में आप देख सकते हैं शेयर ने 61.07% के रिटर्न प्रोवाइड कराए लिस्टिंग के बाद। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है शेयर होल्डर्स को, आप देख सकते हैं शेयर लगभग 52 वीक लो के आसपास आ चुका है। इसके 52 वीक लो की हम बात करें तो 41.15 रुपीज़ इसका 52 वीक लो है और उसके पास शेयर लगभग यहाँ से आ चुका है। चलिए तो हम शेयर के फंडामेंटल देखते हैं, उसके गिरावट का रीज़न फाइंड करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्या होगा, शेयर कहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। यहाँ से आप कंपनी के फंडामेंटल देख सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 542 करोड़ का। इसके करंट प्राइस की बात करें तो 42 रुपये के आसपास इसका करंट प्राइस है और स्टॉक के पी रेशो की बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशो की तो देख सकते हैं काफ़ी चीप प्राइस पर अभी कंपनी आपको देखने को मिल रही है। काफ़ी कम है इसका स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशो, आप यहाँ से देख सकते हैं 3.40 इसका पी रेशो है। और कंपनी के डिविडेंड की बात करें तो कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है स्मॉल कैप होने के बाद भी, देख सकते हैं 0.16% का कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड कराती है। और ROC की बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट की तो देख सकते हैं काफ़ी कम है 4.52% का। और ROE की बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी तो काफ़ी लो है, आप देख सकते हैं केवल 2.56% का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, तो काफ़ी कम रिटर्न यहाँ से प्रोवाइड कराती है कंपनी। और डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हाई है, कंपनी के ऊपर काफ़ी सारा डेप्ट है, देख सकते हैं 2.30 का इसका डेप्ट टू इक्विटी है। और फ्री कैश फ्लो की हम बात करें तो कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो नहीं है, -167 करोड़ का इसके पास फ्री कैश फ्लो है माइनस में। और पर एनम इनकम की बात करें तो काफ़ी कम है 24 करोड़ की। और इसके हम प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग है 67.6% की, लेकिन हम डेप्ट की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर डेप्ट काफ़ी सारा है, इसलिए हमें कंपनी की ग्रोथ में इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। यदि कंपनी अपना डेप्ट धीरे धीरे रिड्यूस करती है तो हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यहाँ से हम कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं और नेगेटिव पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो देख सकते हैं स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.62 times इट्स बुक वैल्यू, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। और कौन की बात करें तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -6.69% ओवर 5 years, टैक्स रेट सीम्स लो, कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कम है, कंपनी माइट बी कैपिटलाइज, द इंटरेस्ट कॉस्ट डिविडेंड पे आउट हैज़ बीन लो एट 1.36% ऑफ प्रॉफिट्स ओवर लास्ट 3 years, कंपनी हैज़ हाई डिविडर्स ऑफ 160.06 days। तो यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी सारे हमें नेगेटिव पॉइंट देखने को मिले हैं कंपनी में। यहाँ से आप कंपनी का फाइनेंशियल देख सकते हैं। कंपनी के क्वार्टरली रेवेन्यू की बात करें तो हमें वोलेटाइल कंपनी के रेवेन्यू देखने को मिले। क्वार्टरली रेवेन्यू में आप देख सकते हैं December 2021 में कंपनी ने 407 करोड़ के यहाँ से रेवेन्यू अर्न किए। इसे December 2020 से कंपेयर करें तो कंपनी ने 371 करोड़ के यहाँ से रेवेन्यू अर्न किए थे, तो थोड़ा बहुत हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। लेकिन सबसे ज़्यादा March 2021 में कंपनी ने 436 करोड़ के यहाँ से रेवेन्यू अर्न किए थे। और ईयरली बेस पर बात करें तो देख सकते हैं हमें रेवेन्यू डाउन देखने को मिले। कंपनी ने 2021 में देख सकते हैं 1262 करोड़ के यहाँ से रेवेन्यू अर्न किए, लेकिन कंपनी ने सबसे ज़्यादा देख सकते हैं रेवेन्यू यहाँ से 2018 में अर्न किए थे 2490 करोड़ के यहाँ से रेवेन्यू अर्न किए थे। फिर हमें यहाँ से थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और 2017 से कंपेयर करें तो 2017 में कंपनी ने 1902 करोड़ के यहाँ से रेवेन्यू अर्न किए थे। और क्वार्टरली हम प्रॉफिट की बात करें तो देख सकते हैं क्वार्टरली प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए देखने को मिले। December 2021 में कंपनी ने 41.23 करोड़ के यहाँ से प्रॉफिट अर्न किए हैं, जो कि December 2020 से हम कंपेयर करें तो December 2020 में कंपनी ने 33.29 करोड़ के यहाँ से प्रॉफिट अर्न किए थे। तो हमें इंक्रीज देखने को मिला है क्वार्टरली बेस पर, लेकिन हम ईयरली बेस पर बात करें तो डाउनसाइड हमें देखने को मिली है। 2021 में कंपनी ने 24.85 करोड़ के यहाँ से प्रॉफिट अर्न किए हैं ईयरली बेस पर, और 2017 से कंपेयर करें थोड़े से ज़्यादा यहाँ से प्रॉफिट अर्न किए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी ने 2018 में अर्न किए थे 67.95 करोड़ के। तो देख सकते हैं गिरावट का रीज़न यही है, कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट हमें डाउन देखने को मिले ईयरली बेसिस पर, तो मेन रीज़न यही है कंपनी में गिरावट का।
अब यहाँ से आप शेयर होल्डर पैटर्न देख सकते हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग कंपनी में 67.58% की है, रिटेल और अदर्स का इसमें इन्वेस्टमेंट 32.14% का है, और FI की इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं 0.28% की है। उसे हम दिसंबर 2020 से कंपेयर करें तो देख सकते हैं रिटेल एंड अदर्स का इन्वेस्टमेंट 31.30% का था और प्रोमोटर की होल्डिंग 68.70% की थी। तो प्रोमोटर ने यहाँ से अपनी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कम की है और FI ने इसमें इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ाई है। देख सकते हैं FI ने 0.28% का इसमें इन्वेस्टमेंट किया है और रिटेल ने भी इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया है। तो प्रोमोटर की भी होल्डिंग हमें थोड़ी बहुत यहाँ से कम देखने को मिली है, लेकिन प्रोमोटर की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। तभी आपने शेयर के फंडामेंटल देखे, हमें शेयर के फंडामेंटल थोड़े से वीक देखने को मिले क्योंकि कंपनी के ऊपर काफ़ी सारा डेप्ट है और कंपनी के हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट भी अच्छे देखने को नहीं मिले हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू और प्रॉफिट में हमें डाउनसाइड देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट इसके काफ़ी अच्छे हैं। यदि कंपनी अपना डेप्ट रिड्यूस कर पाती है तो हमें कंपनी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यदि कंपनी अपना डेप्ट रिड्यूस नहीं करती तो ऐसे हमें काफ़ी ज़्यादा शेयर में डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, यदि आप शेयर को होल्ड कर रहे हैं तो आपको वेट करना चाहिए। जब शेयर का प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जाए तो आप वहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। यदि आपके पास काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर है तो उसमें आप अभी आप सेलिंग कर सकते हैं। यदि कंपनी के ऊपर आपको बिलीव है कि बाउंस बैक कर सकती है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, वरना आप किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें से अभी पैसा निकाल कर। ऐसे आप उस शेयर में सेलिंग कर इसको पिक कर सकते हैं। स्पोर्टकिंग इंडिया लिमिटेड मार्केट का लीडर है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देख सकते हैं शेयर ने यहाँ से 6 मंथ में -8.88% के रिटर्न प्रोवाइड कराए हैं, लेकिन हम एक ईयर की बात करें तो देख सकते हैं शेयर ने 393% के काफ़ी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड कराए हैं। और 5 ईयर की हम बात करें तो देख सकते हैं पिछले 5 साल में कंपनी ने काफ़ी अच्छे यहाँ से मैक्सिमम रिटर्न प्रोवाइड कराए हैं, 333241% के काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न प्रोवाइड कराए हैं। और मैक्सिमम चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ से कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड कराएं 36543% के, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन शेयर को होल्ड आप अपने रिस्क पर कीजिएगा, मेरा पर्पस था आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद।